हेलो एवरीवन मैं रीवा मुंगला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर तो so, जो आज हमारे साथ स्पीकर है हर नेम इज मिस प्रियंका सोनी मैं प्रियंका के क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज है कंपनी सेक्रेटरी और उन्होंने अपना बी -कॉम और एम भी कंप्लीट कर रखा है बेसिकली ये अजमेर से है एंड करंटली ये एक फॉर्म में सी फॉर्म में यहाँ पे वर्क कर रही है जयपुर के अंदर Priyanka, we are so happy to have you to our channel. Thank you so much, Shiva. Thank you so much for inviting me. <laughs> so, और ये बहुत अच्छा initiative है तुम्हारा. Thank you, thank you so much. <laughs> ये सब best आप लोग ही बनाते हो viewers <laughs> ही. और साथ में actually हाँ sorry. मैं बोल रही हूँ कि ये best जो है ये हमारे एक viewers and speakers यही इसको सबसे बेस्ट लेके जाते हैं तो ठीक है तो अपन बढ़ते हैं अपने, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे तो आपके लिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंस आप एक डांसर भी हैं तो हाउ डू डांस एंड स्टडीज कैसे बैलेंस करो देखिए देखो मैं थ्रू आउट टॉप नहीं रही हूँ बट ये है कि हाँ पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था तो सबसे पहले मैंने ये चीज मानी कि एक्सेप्ट योर बिजी स्केड्यूल ठीक है आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है चाहे डांस हो चाहे सिंगिंग हो आपको उस चीज के लिए आ, पैशनेट रहना भी जरूरी होता है ऐसे नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो एक मोनोटोनस वर्क रहता है वो तो उसका एक फ्लो मतलब कंटिन्यूसली बना रहे और मुझे अपना स्केड्यूल एक्चुअली बिजी करना था मैं जितनी ज्यादा पढ़ाई करती थी तो मुझे ऑलरेडी ऐसा लगता था कि यार याद भी हुआ नहीं हुआ तो ऐसा कुछ तो मैं अपनी हॉबी को हमेशा साथ में रखती थी इसके लिए मैंने इसको अपना लाइफ का पार्ट बना लिया था कि नहीं मुझे डांस करना है मुझे पढ़ाई भी करनी है और जिससे मैं खुशी मिलती है मैं वो हॉबी परस्यू करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैंने एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाया था कि मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करूंगी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है तो बेसिकली जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में लोग मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज को ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाते हैं तो इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि हाँ ठीक है डांस भी करूंगी पढ़ाई भी करूँगी और दोनों को बैलेंस करके चलूंगी क्योंकि अगर मैं मैं बहुत ज़्यादा डांस करती तो तो आर्टिस्ट बन बन जाती CS नहीं बन पाती इंपॉर्टेंट तो हाँ, तो तो nice. होता है स्टडीज के साथ में काफी मोटिवेटेड रहते हैं स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डांस ने आपकी लाइफ में क्या इंस्पिरेशन रोल प्ले करा है क्या इंस्पायर करा आपको कि यू चूज डांस डांस एज योर हॉबी देखिए ने मुझे एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया है स्टडीज को देखने का क्योंकि जब भी कुछ जैसे कोई सॉन्ग आता है उसका कुछ सिग्नेचर स्टेप होता है भले वो हार्ड हो तो मैं सोचती थी, थी यार ये तो करना ही है ठीक है और सबसे बड़ी बात हॉबी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि हॉबी में कभी भी कोई गोल नहीं होता है तो हम उसको पैशन से और एक फ्लो में करते ही रहते हैं कभी तो होगा अभी नहीं हुआ तो तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कंटिन्यूसली कोई स्टेप करती थी और एट द सेकेंड डे या थर्ड डे मुझसे हो जाता था तो वो चीज मैंने अपनी पढ़ाई पे भी अप्लाई की कि मैं इस चीज को मुझे कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो कब तक हार्ड लगेगा एक तो पढ़ना तो पड़ेगा तो उसको मैं कंटिन्यूसली बिना किसी गोल के पढ़ती थी कि हाँ ठीक है आउटकम जो भी होगा देखा जाएगा प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो ठीक है वो इस तरीके से डांस और स्टडी को मैंने ऐसे मर्ज किया डांस कि मुझे मेरा हार्ड स्टेप ला के दे रहा है तो पढ़ाई भी देगी और वो चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हुआ था और मैं यही कहूंगी कि अगर कोई हॉबी किसी की कि चाहे सिंगिंग हो चाहे कुछ भी हो आप उसमें अगर गोल ओरिएंटेड नहीं हो तो आप जरूर उसको पालो तो बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन हो सकता है आपका हॉबी ही ये बहुत अच्छी चीज है कि लाइक हाँ आपकी हॉबी आपकी इंस्पिरेशन होनी चाहिए और एटलीस्ट आपके पास एक हॉबी तो होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज वो तो है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जैसा कि सब लोग बोलते हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो तो उसमें आपके को करिकुलर ने आपको कैसे मोटिवेट करा कि नहीं कि मेरे को मेरा डांस भी चूज करना जैसे तो आपका को करिकुलर डांस था किसी का कुछ और भी हो सकता है एज यू सेट किसी का सिंगिंग हो सकता है ड्रॉइंग हो सकता है पेंटिंग हो सकता है लेकिन जब अपन प्रोफेशनल एग्जाम्स देते हैं तो ऐसा लगता है इतना कंटेंट है टाइम नहीं निकल, निकाल पाते मतलब इसको आपने कैसे मैनेज किया देखो आ, कोई भी हॉबी होती है उससे मोटिवेशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जैसे मैं डांस करती थी तो मुझे खुशी मिलती थी तो मेरा माइंड कहता था यार डांस ही करो ना पढ़ाई करने की क्या नीड है हॉबी में होता है आप उस चीज को एंजॉय करके करते हैं तो आपका माइंड वही कहता है कि खुशी से मिल रही है आपका डोप्यूमेंट रिलीज हो रहा है तब वही करो लेकिन बट मैंने इसमें एक चीज यूज की थी मैं रिवॉर्ड मैकेनिज्म पर काम करती थी कि ठीक है अगर मैंने ये काम किया मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया तो इसके बदले में रिवॉर्ड में मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगी ताकि मुझे इसमें बहुत खुशी होती थी कि यार ठीक है ना मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ अब मुझे रिवॉर्ड चाहिए और मेरा रिवॉर्ड मैं खुद को ही देती थी तो रिवॉर्ड मैकेजम एक ऐसा थ्योरी है कि आपने जैसे डेली टास्क बना रखा है आठ घंटे पढ़ाई की है या चार घंटे भी पढ़ाई की है ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो ही डांस होगा अदरवाइज नहीं होगा और पढ़ाई ही नहीं मैं तो आज भी लाइफ स्टाइल में वो अप्लाई करती हूँ ऑल मेरे वीडियोज बहुत कम आते हैं इसका मतलब ये नहीं मैं काम नहीं करती बट ये है कि हाँ काम करो और उसका रिवॉर्ड खुद को तो ज्यादा बेनिफिशियल लगा तो मैं उसमें हमेशा मोटिवेटेड रहती थी और नहीं होती थी जिस दिन तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस में आ जाती थी कि यार मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ मेरा डांस भी नहीं हुआ दोनों चीजें नहीं हुई तो आपको ऑलरेडी आपका माइंड बोलता है कि नहीं पुश करता है कि करो उठो आपको पढ़ाई के साथ दोनों चीजें मैनेज करनी है तो वो आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है तो आपको उसमें खुद को रिवॉर्ड देना चाहते हो तो आप इजिली कर लोगे उस चीज को That's nice. हाँ, कि ये है कि लाइक like, अपन जब जो स्टूडेंट अभी सी एस का एग्जाम देने वाले हैं that is June 2023 attempt, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे और ऑब्वियसली और भी जैसे जो सी के बच्चे भी हैं उनका मे में, में एग्जाम है उनके लिए भी क्या देना चाहिए तो प्रोफेशनल्स के लिए देखो बेसिकली uh, आपकी जो जर्नी होती है चाहे सी ए सी एस ओ सी एमओ जो भी स्टडीज की जो जर्नी होती है उसको हमेशा ना अच्छे से जिया जाता है ये नहीं कि हमने ये प्रोफेशन चूज किया है तो हमारी हॉबी हमारी जो भी अच्छी एक्टिविटीज है उसको साइड कॉर्नर कर दे ये बिल्कुल सही नहीं है ठीक है और आजकल के पेरेंट्स भी इतने फ्रेंक हो गए वो कभी अलाउ नहीं करेंगे अपने बच्चे को कि तुम सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करो तो ठीक है एक कहावत भी है जैसे बहुत फेमस श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तो जो जर्नी है उसके प्रोसेस को एंजॉय करो और आउटकम की चिंता मत करो कि हम पास होंगे नहीं होंगे हमारा अटेम्प्ट निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं आप बस ये सोचो कि हाँ बनने के बाद क्या है बनने के बाद पैशन भी रखना है जॉब भी करनी है सब कुछ हो जाएगा वो मैनेज तो बेसिकली यही है कि हाँ काम करते रहो फल की चिंता मत करो जर्नी को जियो अच्छे से और सेकंड चीज ये है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इसके अंदर कि अगर आपका अटेम्प्ट है आपका रिविजन टाइम है तो आप मैं ये नहीं कहूंगी सोशल मीडिया बंद कर दो वो कोई नहीं करता मैं भी नहीं करती ठीक है बट ये है कि हाँ इसका एक ट्रिक मैंने सीखा था कि आप नोटिफिकेशन ही बंद कर दो आपका जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है आप फोन नहीं उठाओगे और जो अपनी हॉबी को लेकर थोड़े पैशनेट रहते हैं वो सोशल मीडिया पर वही कंटेंट देखते हैं जैसे मैं मैं डांस वीडियो ही देखती हूँ मैं सबसे ज्यादा वही देखती हूँ तो ठीक है वो आपको ट्रिगर भी करता है कि यार नेक्स्ट अब ये करना है हमें तो सोशल मीडिया का भी पॉजिटिव यूज होना चाहिए ताकि आपकी वो स्टडीज के बीच में नहीं आए और तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मुझे एक मेरे प्रोफेसर ने गाइड किया था मैं पढ़ाई करती थी बट पढ़ने के बाद सबको ऐसा लगता है कि यार भूल गए याद नहीं है एग्जाम टाइम में क्या होगा तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी कि आप जो भी पढ़ते हो ठीक है पढ़ने के बाद आप एक छोटी सी कॉपी लो ताकि आपको रिविजन के टाइम पे सिर्फ वही लेके जाना पड़े क्योंकि देखो एक वो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर जितनी बड़ी बुक उतना बड़ा रिविजन तो मैं छोटी सी बुक थी मेरे पास उस एक उसमें मैं हर एक टॉपिक का जैसे मैंने आज ही चैप्टर कंप्लीट किया तो मैं उसकी शॉर्ट समरी बनाती थी जितनी शॉर्ट समरी हो सके शॉर्ट समरी बना लो और डेली जैसे भी मैं पढ़ने बैठती थी मेरी आंखों के सामने से वो सामने निकलनी चाहिए तो उस चीज का ऑनेस्टली मुझे इतना फायदा मिला है कि मेरे अटेम्प्ट मैंने इस चीज को कभी फील नहीं किया कि मुझे चीज आती नहीं आती है भले मैं अंदर क्या लिख के आ रही हूँ आई डोंट नो बट मेरी आंखों से वो टॉपिक निकला हुआ है वो अनजान नहीं है तो ये जो शॉर्ट समरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत हेल्प करता है सच में वो कोई भी क्लास का मतलब कोई भी स्टडी का हो कोर्स हो वो करता है और आखिरी चीज यही है कि देखो ये प्रोफेशन आपने ही चूज किया है कोई भी हो तो आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स नहीं किया होगा आप खुद सोचते हो कि हाँ मैं ये पढ़ाई कर सकती हूँ ये मेरा जोन है तो आपको उसको करना चाहिए ठीक है जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ हो जाएगा और मैं ही कहूंगी कि हाँ हॉबी करो हॉबी होनी चाहिए और उसको पैशनेटली फॉलो करो और बैलेंस करो बस बाकी जैसे रीवा मैडम जैसी टीचर है ही आपके पास में जो तो आपको आई मोटिवेट करती है <laughs> मैंने देखा है वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि सक्सेस को फेस देना बहुत जरूरी है और आप जैसे लोग अगर ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो अप्रिश है थैंक थैंक यू यू सो मच बाकी हाँ, ये बात सही है कि प्रोसेस को एंजॉय करो लास्ट में अचीव क्या हो पर एटलीस्ट ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने हमारे प्रोसेस में कोई कमी रखी लास्ट का तो फाइनल रिजल्ट तो किसी को नहीं पता क्या होगा आप पास भी हो सकते हो आप फेल भी हो सकते हो लेकिन ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश नहीं करी मेहनत नहीं करी वो तो है ही बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बहुत अच्छा सेशन था काफी चीजें मेरे को भी सीखने को मिली <laughs> कई चीजें हैं सीरियसली <laughs> बहुत अच्छा लगता है ऐसे बात करना लोगों से इंटरेक्ट करना एंड थैंक यू सो मच आई होप स्टूडेंट्स आप लोग भी काफी चीज सीखोगे प्रियंका से थैंक यू सो मच श्रीवा